के दिन हुआ बड़ा धमाल। पत्नी ने भरे बाजार में ही जड़ दिया अपने पति के थप्पड़ और पति पूछता रह गया कि आखिर क्या हुआ क्या हुआ। पत्नी ने कहा, मैं पूरे दिन से भूखी हूँ और तुम किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो, आखिर क्या है पूरी खबर। आज पूरा भारत वर्ष करवा चौथ का पर्व मना रहा है और सभी पत्नियां अपने पतियों की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं। लेकिन आप सबसे पहले ये देखिए कि ये महिला इस तरीके से क्यों भाग रही है और क्यों ये महिला बीच सड़क में इस आदमी के गाड़ी में बैठे बैठे थप्पड़ मार रही है। और ऐसा क्या कुछ हुआ है किस महिला को उस आदमी के ऐसे बीच सड़क में थप्पड़ मारना पड़ा, चलिए ये पूरी खबर के बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ ये खबर आखिर है कहाँ की। दरअसल ये खबर उत्तराखंड देवभूमि के देहरादून से है, जहाँ पर ये महिला इस तरीके से भाग रही थी और बीच सड़क में इस आदमी के थप्पड़ मार रही थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये आदमी है कौन। ये आदमी और कोई नहीं, ये इस महिला का पति है जो कि काफी समय से घर नहीं आया था और आज करवा चौथ के दिन इसकी पत्नी ने व्रत रखा था और इंतजार में थी कि मेरा पति आज घर आएगा और मेरा व्रत। और इस महिला ने अपने पति को काफी ज्यादा फोन भी करे, लेकिन हर बार उसका पति यही बोलता रहा कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, बस आता हूँ। लेकिन जब वो महिला अपने पति को ढूंढने बाहर निकली तो उसने क्या कुछ नहीं देखा। आप भी देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो आपने देखा कि ये महिला किस तरीके से गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है और उस आदमी पर थप्पड़ मारते हुए भी नजर आ रही है। जब हमने उस महिला से बात करने की कोशिश करी तो हालांकि उस महिला ने कैमरे में आने से तो मना कर दिया, लेकिन उसने क्या कुछ बताया ये आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। उसने ये बताया कि मेरे पति ऐसे ही रोज रात को घर में लेट आया करते थे, मैंने सोचा वो कहीं काम करते हैं तो इसलिए लेट आते थे। लेकिन जब मैंने उन पर नजर रखनी शुरू करी तो मुझे शक तो होने लग गया था कि इनका किसी के साथ नाजायज संबंध चल रहा है, और मेरा जो शक था वो आज सच में भी तब्दील हो गया। जब मैं अपने पति को बाहर ढूंढने निकली तो वो बाहर गाड़ी में किसी लड़की के साथ जा रहे थे, और जब मैं उस गाड़ी का पीछा करने लगी तो उस लड़की को मैंने पहचान लिया कि ये तो वही लड़की है जो कि देर रात किसी सड़क के किनारे बैठी रहती है या फिर किसी लाइट के नीचे। अब आप ये सोच पा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ हो रहा है, और आज करवा चौथ है जिसमें पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है और शाम को इंतजार करती है कि मेरा पति आएगा और व्रत तोड़ेगा, और वहीं पर उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो आप सोच पा रहे होंगे कि उस महिला पर क्या बीती होगी। और आखिरी में उस महिला ने यही बोला कि अब मेरे पास बचा ही क्या है, मुझे अब पुलिस स्टेशन ही जाना होगा और अपने पति के खिलाफ कंप्लेन करवानी होगी। ये तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है कि उत्तराखंड देवभूमि में ऐसा कुछ भी हो रहा है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें लोकार्पण अनावरण सच का। धन्यवाद।